लोकसभा चुनाव से ठीक पहले हर किसी के जहन में एक ही सवाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने चेहरा कौन होगा विपक्ष से। लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा को हराने के लिए बेंगलुरु में विपक्षी दलों की दूसरी बैठक आज है। इससे पहले कांग्रेस की ओर से विपक्ष के नेताओं को डिनर पर इनवाइट किया गया है। डिनर बेंगलुरु के ताज वेस्ट एंड होटल में आयोजित किया गया। कांग्रेस पार्टी की तरफ से दावा किया गया कि इसमें 26 दल के नेता शामिल हुए हैं। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने कमर कस ली है, भाजपा समर्थित एनडीए हो या फिर कांग्रेस समर्थित यूपीए। भाजपा के खिलाफ विपक्ष की पूरी रणनीति तब बन रही है जब संसद का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है, और माना यह भी जा रहा है कि संसद के मानसून सत्र में विपक्षी एकता की मिसाल देखने को मिल सकती है। विपक्षी दलों के इस महाजुटान को इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि पहली बार यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी इस तरह की कवायद में खुद को शामिल कर रही है, उसे लीड करने की कोशिश में है। तो ऐसे में विपक्ष के वो तमाम दिग्गज नेता जिनके मन में राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर शंका थी, मनमुटाव था, वो भी दूर हो सकता है। ऐसे में विपक्ष अपने आप को मजबूत करने की कोशिश में जुटा हुआ है। विपक्षी दलों के कई नेताओं के साथ सोनिया गांधी के अच्छे रिश्ते रहे हैं। आज विपक्षी दलों की अहम बैठक, इसमें क्या निर्णय होगा इस पर सबकी नजरें टिकी हैं। हालांकि कल डिनर में शामिल होने के लिए लालू प्रसाद यादव, अरविंद केजरीवाल, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, बिहार के सीएम नीतीश कुमार समेत कई नेता पहुंचे।